भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या कर दी जाती है। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या इस साजिश के पीछे पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत थी? ये सवाल या शक किसी मीडिया या समाचार एजेंसी ने नहीं उठाया, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने यह बात कही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सीधे सीधे पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़ा करती है। दरअसल अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने अपने दोनों भाइयों के कत्ल की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने यूपी सरकार को घेर लिया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र भट्ट ने पूछा कि हथियारों से लैस 5 से 10 पुलिसकर्मी जिसकी सुरक्षा कर रहे हों, कोई भी कहीं से आकर उन्हें गोली कैसे मार सकता है? क्या इसमें पुलिस और प्रशासन के अंदर से ही किसी की मिलीभगत है? 5 बार विधायक रहे और 1 बार सांसद रह चुके अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल की तस्वीरें पूरे देश ने टीवी पर लाइव देखी। चारों तरफ पुलिस वाले थे, सभी के पास हथियार थे, लेकिन इसके बावजूद 3 हमलावर पुलिस की सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अंदर आते हैं और दोनों पे तब तक गोली बरसाते हैं जब तक दोनों की मौत नहीं हो जाती। और ये सब कुछ होता है पुलिस वालों और मीडिया कर्मियों के सामने। इस डबल मर्डर की तस्वीरें देश के साथ साथ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी देखी। पुलिस हिरासत में हुए इस डबल मर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद गंभीर बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके पीछे किसी की मिलीभगत है, इसमें पुलिस या प्रशासन के व्यक्ति शामिल है। कोर्ट ने यूपी सरकार से यह भी पूछा है कि अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों को न्यायिक हिरासत में क्यों रखा गया है, जबकि वो दोनों किसी भी अपराध में शामिल नहीं थे। दोनों बच्चों को रिश्तेदारों को क्यों नहीं सौंपा जा सकता? 15 अप्रैल को मीडिया के कैमरों के सामने बिना डरे हुए शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने अतीक अहमद और उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद तीनों शूटरों ने आत्मसमर्पण कर दिया यानी सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या करने वाले तीनों शूटर प्रतापगढ़ के सेंट्रल जेल में बंद हैं। तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शूटर्स को अपना वकील करने की आज तक की मोहलत दी थी। अगर शूटर्स की तरफ से कोई वकील पेश नहीं होता तो कोर्ट उन्हें खुद वकील मुहैया कराएगा। अतीक अहमद का पूरा परिवार तबाह हो चुका है। अतीक और उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके दोनों बड़े बेटे उमर और अली पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं। अभी हाल में ही दूसरे नंबर के बेटे अली पर जेल में रहते हुए 40 लाख की रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी देने के 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर के बेटे असद का एनकाउंटर किया जा चुका है और दो छोटे नाबालिग बेटे हैं, वो भी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी पत्नी शाइस्ता को भगोड़ा घोषित करके उन पर 5,000 का इनाम रख दिया गया है। मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे थे मुस्लिम टुडे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।